नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो बेटा आप भी ठान लीजिए तो अवश्य ही आपकी जीत होगी, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो इसी विचार के साथ हम अपनी कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड के अंतर्गत प्राचीन कवि तुलसीदास जी के पद। हमने अपनी पिछली वीडियो में तुलसीदास जी का पहला पद किया था और आज हम तुलसीदास जी का दूसरा पद करने जा रहे हैं जो कि गीतावली से लिया गया है। इस पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी घोड़ों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। उनको यह चिंता है कि कहीं अपने स्वामी के स्नेह स्पर्श के अभाव में ये घोड़े दम ना तोड़ दे, तो इसलिए वह राम से कहती हैं, राघो एक बार फिरी आवो। राघो मतलब राम, कि हे राम तुम एक बार लौट आओ। एबर बाजी बिलोकी आपने बहुरो बन ही सिधावो। ए माने एक बार, बर माने सुंदर श्रेष्ठ, बाजी घोड़ा, बिलोकी देखकर। अब माता कौशल्या कहती है कि एक बार अपने सुंदर प्रिय घोड़े को देखकर फिर पुनः वन को भले ही चले जाना, लेकिन एक बार आ जाओ और उन्हें देख लो। जो पै प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे। पई का मतलब होता है बेटा पानी और पोखी का मतलब होता है सहलाना, प्यार करना, हाथ फेरना। कर पंकज, कर का मतलब होता है बेटा हाथ और पंकज कमल, यानी कि कमल रूपी हाथ। अब कौशल्या क्या कहती है कि जिस घोड़े को तुम अपने कमल रूपी हाथों से सहलाते थे, बार बार पुचकारते थे, जल पिलाते थे, वह घोड़ा तुम्हारे विरह में दुखी है। क्यों जीव ही मेरे राम लाडिले ते अब निपट बिसारे। निपट का मतलब होता है बेटा बिल्कुल और बिसारे का मतलब होता है भुला देना। अब वह कह रही है कि हे मेरे लाडले राम, भला वे तुम्हारे बिना जीवित क्यों रहे, तुमने तो उसे पूरी तरह से भुला दिया है। भरत सौ गुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे। सार का मतलब होता है देखभाल। अब वह कहती हैं कि यद्यपि भरत इन घोड़ों का, क्योंकि ये घोड़े तुम्हें बहुत प्रिय थे इसलिए इनका 100 गुना ज़्यादा ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करता है। तद्पि दिन ही दिन होत झांवरे मनु कमल हिम मारे। तद्पि का मतलब होता है बेटा फिर भी, झांवरे का मतलब होता है कुमलाना, मनु का मतलब होता है बेटा मानो, और हिम मारे का मतलब होता है बेटा बर्फ के मारे। अब माता कौशल्या कहती है कि ये घोड़े क्योंकि तुम्हें बहुत प्रिय है, भरत इनकी 100 गुना देखभाल करता है, फिर भी दिनों दिन ये कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो के कमल के समान कुमलाते जा रहे हैं। सुनू पथिक जो राम मिलही बन कहियो मातु संदेश। तो कौशल्या पथिक को अपना संदेश कहती है, वे पथिक से कहती है कि सुनो यदि तुम्हें वन में कहीं राम मिल जाएं तो उनसे मेरा यह संदेश कहना। तुलसी मोही और सबहिनते इन्हों को बड़ो अंदेशो। अंदेशों का मतलब होता है बेटा चिंता। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या कहती है कि मुझे अन्य सभी की तुलना में इन कमजोर होते जा रहे घोड़ों को देखकर बहुत अधिक आशंका चिंता होने लगी है, तो इसलिए तुम एक बार इन्हें आकर देखकर फिर बेशक चले जाना। तो इस तरह से बेटा कौशल्या इन अश्वों के बहाने अपनी विरह व्यथा को भी दर्शा रही है। वह इन अश्वों के बहाने राम को एक बार बुला रही हैं ताकि वह उन्हें देख सके।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पद को अच्छे से समझा होगा। तो आइए करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास। तो सही जवाब है तुलसीदास। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद कहाँ से लिया गया है? कवितावली, दोहावली, गीतावली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है गीतावली। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो सही जवाब है बेटा ब्रज, ब्रज भाषा। चौथा प्रश्न है, राघो एक बार फिर आवो, इस पंक्ति में कौन किसके बारे में कह रहा है? यशोदा माता श्री कृष्ण के बारे में, कौशल्या माता राम के बारे में, केकई माता राम के बारे में, केकई माता भरत के बारे में। तो सही जवाब है बेटा कौशल्या माता राम के बारे में कह रही है। पांचवा प्रश्न है, एबर बाजी बिलो की पंक्ति में बाजी शब्द का क्या अर्थ है? बाज, घोड़ा, हाथी या फिर चील। तो सही जवाब है बेटा घोड़ा। छठा प्रश्न है, माता कौशल्या के अनुसार राम वन गमन के पश्चात घोड़ों की देखभाल कौन करता है? शत्रुघ्न, भरत, कौशल्या या फिर केकई। तो सही जवाब है बेटा भरत। सातवां प्रश्न है, श्री राम के घोड़े दिन प्रतिदिन सेवा के बावजूद भी कमजोर क्यों हो रहे थे? अच्छे से देखभाल ना होने के कारण, गर्मी के कारण, राम के वियोग में या फिर भूख के कारण। तो सही जवाब है बेटा राम के वियोग में। आठवां प्रश्न है, माता कौशल्या अपना संदेश किसके माध्यम से भिजवा रही है? कोए और भौरे से, राजमहल के संदेशवाहक से, किसी पथिक से या फिर कबूतर से। तो सही जवाब है किसी पथिक से। नौवां प्रश्न है, भरत घोड़ों की 100 गुनी सेवा क्यों करता है? राजमहल से संबंधित होने के कारण, राम के अत्यंत प्रिय होने के कारण, भरत को अत्यंत प्रिय होने के कारण या फिर दशरथ के अत्यंत प्रिय होने के कारण। तो सही जवाब है बेटा राम के अत्यंत प्रिय होने के कारण। दसवां प्रश्न है, कर पंकज में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक। तो सही जवाब है बेटा रूपक। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। धन्यवाद।